ग्रहों तथा भूवः आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन। मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भूवः आदि लोकों का, ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिणाम का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाएं। लोमहर्षण जी बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदियों और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थित है और सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध की स्थित है। बुध से 2,00,000 योजन शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन मंगल तथा मंगल से 2,00,000 योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनेश्चर हैं और उनसे 1,00,000 योजन ऊंचे सप्तऋषि मंडल स्थित हैं। सप्तऋषियों में 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहां 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वही शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे चौगुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहां सिद्ध आदियों मुनि जन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म या पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है, जहां तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच जो सिद्ध मुनियों से सेवित प्रदेश है, वह भुवर लोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक स्थित का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बतलाया है। भू, भुवह और स्वह, इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर की जो जन, तप और सत्य नामक लोक है, वह तीनों अकृतक कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महरलोक है, जो कृतका कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर नीचे तथा किनारे की ओर से अंडक ताह द्वारा घिरा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे कैथ का बीज सब ओर से छिलके से ढका रहता है। उसके बाद समूचे अंडक ताह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश महत्त्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महत्त्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं है और न ही उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत यौ असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान है, उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक यो संयुक्त होने में कारण है। विप्रवरों, वही सृष्टि के समय प्रकृति में शोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों में रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है,
फिर उसी वृक्ष से अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महतत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं, देवताओं से उनके पुत्र और उनके पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं। वह भगवान विष्णु पर ब्रह्म है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वह ही जगत स्वरूप है तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा। वह पर ब्रह्म और परम धाम स्वरूप है, सत और असत भी वह ही है, वह ही परम पद है। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है, वह ही अव्याकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप है। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है, वह ही क्रियाओं के कर्ता है, उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है, यज्ञ और उसके फल भी वह ही है, युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। लोम हर्षर जी कहते हैं, आकाश में शिशुमार के आकार में जो भगवान का तारामय स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थित है। ध्रुव स्वयं अपने परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं, उसे वर्षा काल में वर्षा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायु रूप में मेघों में स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये चार प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता, वह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियां फलती, पकती, यह प्रजा की उपयोग में आती है। उन औषधियों से
शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर, जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण है। वह शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित है। वह ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?